अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कि हम जो इजी सेटअप है कि मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किया था कि किस तरह हम जो हमारे साथ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल होता है ठीक है ना, उसमें हम उसका जो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि लेट्स सपोज हमारे साथ एक क्या कहते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, ये देखिए होल सिक्स सी एल थ्री। ठीक है, तो एज अ होल तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ठीक है ना, बट इस ब्रैकेट के अंदर इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ओके, इसको आप लोगों ने याद रखनी है, अक्सर पेपर में पूछ जाता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ओके, इसको कहते हैं काउंटर आइन। ओके, और इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल। ओके, अब ये तो हो गया, लेकिन अब हमने किस तरह पॉइंट करना है कि अगर हमें पेपर में बताया जाए ठीक है इसका, हमें ये कंपाउंड गिवन हमसे कहे कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि एज अ होल इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। पहली बात तो याद रखिए कि हमने इस काउंटर आयन को देखना है। ठीक है, काउंटर आयन को देखिए, काउंटर आयन क्लोरीन है तो क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, तो तीन सी एल है तो माइनस थ्री हो गया। तो अगर ये माइनस थ्री है, मतलब पहले तो आप इन दोनों को अलग अलग रखें ठीक है ना, अगर मैं इस सी एल थ्री को यहाँ पर लिख देता हूँ आसानी के साथ ताकि अलग हो जाए सी एल थ्री, तो सी एल थ्री का माइनस तीन आता है तो एज अ होल इसका कितना होगा प्लस तीन होगा, मतलब इसका अपोजिट, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन माइनस थ्री है ना, तो वो क्या होगा, वो हमारे साथ प्लस थ्री होगा। अच्छा, वो तो हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या पॉइंट करना है, इस सेंट्रल मेटल का पॉइंट करना है ठीक है ना, कोबाल्ट है यहाँ पर, तो कोबाल्ट प्लस यहाँ पर छः सिक्स एन एच थ्री है ना, तो सिक्स अपने यहाँ इस तरह लिखे और एन एच थ्री पर ओवरऑल कितना होता है, वो हमारे साथ जीरो होता है इसका वो ठीक है ना, न्यूट्रल है। और फिर अगर हम यहाँ पर देखें, अगर लेट्स सपोज अगर ये सी एन होता ठीक है ना, तो फिर उसको वो माइनस वन लिखते ठीक है ना, बट यहाँ पर जीरो है तो जीरो लिख लेंगे और एज अ होल इट इज़ इक्वल टू प्लस थ्री। ओके, तो बिकॉज ओवरऑल चार्ज प्लस तीन आता है ठीक है ना, तो कोबाल्ट की अगर हम पॉइंट करना चाहें तो इज इक्वल टू तीन, तीन है ना ये तो जीरो हो जाएगा, तो कोबाल्ट पर क्या होगा ये भी प्लस थ्री होगा। ओके, अच्छा और एग्जांपल लेते हैं ठीक है, इससे एक एमसीक्यूज आ जाता है ईटा में, ताकि हमें पॉइंट करना, या तो हमें कोऑर्डिनेशन स्पीयर की पॉइंट करना होता है या हमें एज अ क्या कहते हैं सेंट्रल मेटल का पॉइंट करना होता है। देखिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है ना, वो है ये देखिए हमारे साथ, ये देखिए सी ओ कोबाल्ट जो हमारे साथ है, फिर एच टू ओ होल सिक्स और यहाँ पर हमारे साथ है सी एल थ्री। ओके, फिर वही बात है ठीक है ना, इन दोनों को क्या करें अलग अलग लिखे, तो सी एल थ्री मैंने यहाँ पर लिख दिया ठीक है, सी एल थ्री के लिए माइनस थ्री आ जाएगा तो एज अ होल इस पर प्लस थ्री होगा ठीक है ना, तो कोबाल्ट प्लस वाटर भी क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो सिक्स इंटू जीरो इज इक्वल टू हुआ थ्री है, तो कोबाल्ट इज इक्वल टू थ्री, तो कोबाल्ट पर कितना है प्लस थ्री है, ओवरऑल भी कितना है कोऑर्डिनेशन स्पीयर पर वो भी प्लस थ्री है ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं ठीक है, ताकि आप लोग कुछ समझ आ जाए ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पीटीसीएल यहाँ पर हमारे साथ है सिक्स ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमसे पूछ जाए कोऑर्डिनेशन स्पीयर पर कितना चार्ज होगा, तो वो तो अगर ये एक पोटाशियम ग्रुप फर्स्ट में ठीक है ना, तो ये प्लस वन होगा ठीक है, क्या होगा प्लस वन होगा ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये प्लस वन है हमारे साथ, तो दो है ना टू से मल्टीप्लाई करें तो प्लस टू बन जाएगा, अगर ये प्लस टू होगा तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेशन स्पीयर पर कितना होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस टू होगा, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्पीयर पर माइनस टू आ गया, बट हमने पी टी का पॉइंट करना है ठीक है ना, तो पी टी इज पी टी प्लस सिक्स क्लोरीन है, तो सिक्स इंटू माइनस वन हेलोजन का क्या होता है माइनस वन होता है, इज इक्वल टू माइनस टू, ओवरऑल कितना है माइनस टू के इक्वल कर लेते हैं ठीक है, पी टी इज इक्वल टू माइनस टू ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस सिक्स बन जाएगा ठीक है ना, तो पी टी इज इक्वल टू प्लस फोर, तो ये इसका कितना आएगा फोर आएगा सेंट्रल मेटल का ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा वो है
आई नो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं ठीक है ना, कि उसको पता नहीं हो कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना। तो मैं ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जिसको पता नहीं हो, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए। हमने जो आयरन है ठीक है ना, इसका फाइंड करना है। तो ओवरऑल के क्या वन होता है तो के थ्री है, तो मतलब ये प्लस थ्री हो गया, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट स्फीयर का इसका अपोजिट होगा माइनस थ्री होगा। तो अब मैं यहाँ पर एफ ई का फाइंड करना है, तो एफ ई प्लस सिक्स सी एन का माइनस वन होता है इज इक्वल टू माइनस थ्री, ओवरऑल माइनस थ्री है तो इस तरह मैंने माइनस थ्री के इक्वल कर दिया, तो एफ ई इज इक्वल टू सिक्स इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस सिक्स बन जाएगा, तो माइनस प्लस सिक्स माइनस थ्री इज व्हाट इट इज बेसिकली प्लस थ्री। तो एपी का कितना आ गया, प्लस थ्री आ गया, ठीक है। अच्छा तो ये तो हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं इजी वाला। चलो अगर ये हमें गिवन हो कि देखिए हमारे साथ एपी एंड यहाँ पर हमारे साथ है एच टू ओ, ठीक है, और ओवरऑल यहाँ पर हमें गिवन है एस ओ फोर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए SO4 पर क्या होता है, डबल माइनस होता है, ठीक है ना, SO4 डबल माइनस उसका चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर ये माइनस टू होगा तो ये कितना होगा, ये एक SO4 है, एक SO4 का कितना होता है, माइनस टू होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस तरह हो जाता, इस तरह हमें गिवन था कि SO4 लिखा होता और फिर यहाँ पर होल टू लगा होता, तो फिर ये माइनस फोर हम लिखते, ठीक है ना, या SO4 होल माइनस थ्री लिखा होता तो फिर हम माइनस सिक्स लिखते, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट माइनस टू है, तो मतलब ये कि ओवरऑल यहाँ पर कितना होगा, प्लस टू होगा। तो एफ ई हमने फाइंड कर देना है, प्लस सिक्स एन टू, लेट सपोज ये सिक्स है, ठीक है, सिक्स एन टू एच टू ओ, सिक्स एन टू एच टू ओ का जीरो होता है, तो इज इक्वल टू प्लस टू, तो इस तरह एफ ई इज इक्वल टू टू आ गया बेसिकली, या तो ये जीरो, ठीक है ना। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, जितने भी इस टाइप के एम सी क्यूज होंगे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे इस टॉपिक पर। ये तो बहुत इजी था, लेकिन इंशाल्लाह इस टॉपिक में ये हम और भी करेंगे, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम किस तरह करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।